लेटर्स आए वो सारे के सारे जो है वो वन मिलियन यूरोज़ जो है वो क्रॉस कर रहा है तो इन दैट केस मतलब हम लोग थोड़ा सा रुक गए थम गए कि यार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करें कितने साल जो है हम लोग ई एम भरते रहेंगे उसका काफी दिन रात एक कर दिए थे दिन दिन भर बाहर रहते थे एंड देन समहा हम जैसे ही वापस आए कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि चीजें जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाई मैं प्रॉपर्टीज ढूंढना चालू कर दे सकते हो होम लोन उसका ई एम आई कितना लाइक मंथली पेमेंट कितना होगा उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा पाँच चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पर अभी करंट इंटरेस्ट रेट जितना मैं अभी सुन रही हूँ लोगों को कि क्या अपडेट है क्या चल रहा है अभी यहाँ पर तो जैसा कि आप लोगों को एक्चुअली जानना था कमेंट्स पे आए कि क्या है हमारा हाउस सर्च अपडेट हम कहाँ पर घर ले रहे हैं गाड़ी का क्या अपडेट है क्योंकि हमने काफ़ी सारी टेस्ट ड्राइव ली थी बीच में घर का भी सब कुछ किया था तो गाड़ी का आप वेट करो क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी का मैं आपको बताऊंगी कि गाड़ी का क्या है और बहुत जल्दी ही आपको पता चलेगा बट मैं आपको घर का बता देती हूँ कि स्टोरी तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पर घर देखना चालू करे थे काफ़ी सारे घर देखे थे आसपास घर देखे थे उस ब्लॉग्स में ये भी बताया था कि दीपक को ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है और दीपक का ऑफिस और मेरा ऑफिस जो है वो म्यूनिक में मेरा मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ म्यूनिक है पर दीपक का एक्जेक्टली exactly म्यूनिक है और उसे मंडे टू फ्राइडे रोज ऑफिस जाना होता है इस केस में अगर हम लोग बाहर घर लेते हैं तो वो तो हमारे बजट में आ रहा था जैसा कि हमने आप लोगों को कुछ रॉ हाउसेस बताए थे कुछ फ्लैट्स बताए थे म्यूनिक है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है रियल इस्टेट पे अगर हम बात करें तो काफी सारे महंगे घर हैं मतलब जो घर हमें पसंद आ रहे हैं या हम जिनके वाउचर्स देख रहे हैं अभी मेरे पास कुछ ईमेल्स e आए कुछ लेटर्स आए वो सारे के सारे जो है वो वन जो है वो क्रॉस कर रहा है तो इन दैट केस मतलब हम लोग थोड़ा सा रुक गये, थम गये कि यार इतना और ये वीडियो मैं एक्चुअली दीपक के साथ बनाना चाहती थी बट दीपक इतना बिजी है कि मैं उसको बिठा ही नहीं पा रही थी तो मैं सोचा मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को तो आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो देखना देन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इंडिया चले गए इंडिया के भी हमने कुछ ब्लॉग्स डाले और उसके बाद नहीं डाले क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हो गए यहाँ पर आने के बाद तो हम इंडिया में बैंगलोर में अराउंड सेवन टू एट डेज थे और सेवन टू एट डेज में हम लोगों ने काफी मेहनत से बैंगलोर में प्रॉपर्टी सर्च करी अच्छी प्रॉपर्टीज प्रीमियम प्रॉपर्टीज लग्जरी प्रॉपर्टीज सोच के कि यार हम लोग अब एक काम करते हैं यहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ लोकेशन अभी के लिए जो है वो बैंगलोर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड एक प्रॉपर्टी जो है वो हमने फाइनल भी कर दी अब जब वीडियो आएंगे तो आपको पता चलेगा एक प्रॉपर्टी हमने फाइनल भी कर दी उन लोगों को जो भी वो जो चेक होता है कैंसिल चेक देख के बहुत मेहनत करने के बाद काफी दिन रात एक कर दिया थे दिन दिन भर बाहर रहते थे एंड देन सम हम जैसे ही वापस आए कुछ हमारे साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए uh, मैं आपको नहीं बताऊंगी मे भी ये बोल सकते हैं कि ये भगवान का इशारा था कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए और कुछ हमारा दिमाग ऐसा चेंज हुआ कि हम लोगों को जैसे ही वो प्रॉपर्टी के मतलब जो पैसे पे करने होते हैं वो अभी कुछ महीने पहले वी सेड नो यार अभी हमें नहीं खरीदना है आ, अभी हमें कुछ घर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी हम और किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड सम हाउ वी सेड नो अभी कुछ महीनों से अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार जर्मनी में कुछ घर देख लेते हैं तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पहले जो था कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था अभी थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इस वजह से अगेन दिमाग में आने लगा कि चलो यार एक बार देखना चालू करते हैं हमारे फ्रेंड्स ने भी अभी, अभी अभी घर लिया है काफी लोग जो हैं वो घर देख रहे हैं इंडिया में तो आपको पता होगा याद होगा कि मेरी एक रियल स्टेट एजेंट थी वेनिसा करके जिसके साथ हम लोग वीडियोज देखते थे कुछ वीडियोज उसने हमें दिखा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज से डील करती है तो वो अराउंड ये टू के यूरो से फाइव हंड्रेड के सिक्स हंड्रेड के इवन सेवन के तक के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो से डील करती है एंड उसके क्योंकि इंडियन कस्टमर्स बहुत हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे कांटेक्ट करती रहती है हम लोग बात करते रहते हैं प्रॉपर्टीज भेजती रहती है काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज उसने भेजी पर सब हाउ हम जा नहीं पाए देखने के लिए नाउ वी आर अगेन स्टार्टिंग तो हमने जैसे फ्लिप किया था कि इंडिया अब हम फिर से फ्लिप कर रहे हैं जर्मनी कि नहीं यार यहाँ पर घर देखते हैं और अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी देखते हैं कि यार एकदम से वन मिलियन तो नहीं खर्च करने वाले हैं उससे कम खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज

हो गए हैं कि उस केस में ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज करना पे कर दिया हो तो अभी के जो लोग आ रहे हैं उसको मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी और सही में आप ऐसा करना बिकॉज ये आपके काफी सारे फाइनेंस जो है वो हेल्प करेगा और आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी म्यूनिक में या म्यूनिक के आस Uh, भी वैनिसा का नंबर मैं शेयर कर दूंगी अगर आपको उससे कांटेक्ट करना है और अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो आपको पता ही है वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देगी प्लस वो आपको मेंटेनेंस फ्री देगी एक साल की क्योंकि काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी वैनिसा के साथ तो वी नो दैट कि यार चलो ठीक है यार हम अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड आई ऑल्सो से दैट यार मेरे लोगों की हेल्प करो उनके उनको जो है वो बेस्ट रेट्स दो प्लस वो कमीशन जो है वो जो लोग सेल करते हैं उससे लेती है बाहर से नहीं लेती तो हम लोगों को ज़्यादा पे नहीं पर, करना पड़ता कमीशन पे नहीं करने पड़ते तो शी इज़ अ वेरी गुड एजेंट तो उसने वो मुझे बताती रहती है वो मुझे फोटोज भेजती रहती है कि इंडियंस ने जो है वो घर खरीदा है ये खरीदा है वो खरीदा है तो उसे देख के मैं फिर से मोटिवेट हो गई लाइक दीपक से भी मैंने बात करी, मैंने बोला यार दीपक ठीक है हमारा अभी दिमाग में नहीं है बट वी स्टार्ट अगेन और इसलिए अब हमारे हम प्रॉपर्टीज देखने जा सकते हैं तो प्रॉपर्टी एक चीज और मेरे दिमाग में थी जो मुझे आपसे शेयर करना था मुझे ऐसा लगता है सम जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स करे थे मैंने सब लोगों को बताया था अः उससे कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कि चीजें जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाई ये सिर्फ घर की बात नहीं है ये इवन गाड़ी की भी बात है somehow ऐसी सिचुएशंस बन रही थी ऐसी सिचुएशंस हो रही थी रिलेटेड टू टाइम नहीं है गाड़ी की देखने नहीं जा पा रहे या कुछ चीज अप्रूव नहीं हो पा रही या फिर हम कुछ डिले कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी अप्लीकेशन डिले हो रही है तो इसकी वजह से ना चीजें जो है वो सही ट्रैक पे जा ही नहीं पा रही थी गाड़ी से रिलेटेड भी बट गाड़ी की तो मैं आपको बहुत जल्दी चीज बताऊंगी उसका अपडेट बहुत जल्दी मैं बताऊंगी हमने क्या चूज करा है हमने लास्ट मोमेंट पे हम कौन कौन सी गाड़ी ली उसके क्या ऑप्शंस थे क्या बन रही थी, वो सारी चीजें तो डालने पड़ेंगे ढूंढने के लिए और हमारे हिसाब का ढूंढना पड़ेगा कि यार वी शुड बी है यार हमें खुश होना है एक और प्रॉब्लम यहाँ ये यह थी कि हमारा जो अभी करेंट घर है उसका बैकयार्ड इतना अच्छा है गार्डन है बहुत बड़ा तो समर्स इतना अच्छा निकला इतना प्यारा निकला इतना ब्यूटीफुल निकला कि हमें घर चेंज करने का जो है वो रिक्वायरमेंट ही नहीं फील हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे लाइक like, माइंड में ऐसा हो गया था कि नहीं यार नहीं अभी नहीं करना है बट देन अगेन आई विल स्टार्ट स्टार्टनिस से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगी क्योंकि वो एक्चुअली आपकी हेल्प कर सकती है आपको मतलब हेल्प हेल्प इन द सेंस वो कुछ चार्ज नहीं करेगी आप बस अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे प्रॉपर्टीज देखना है तो आप उससे कॉन्टेक्ट करना अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने भी उसको अपना बजट वगैरह बताया है और उससे मैं प्रॉपर्टीज ढूंढना चालू कर दूंगी एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पर अभी करंट इंटरेस्ट रेट जितना मैं अभी सुन रही हूँ लोगों को थ्री टू फोर परसेंट इवन फोर पॉइंट फाइव परसेंट का अभी है डिपेंडिंग ऑन अफकोर्स आप कितना लोन ले रहे हो आपका हाउस लोन कितना है आप कितना पे कर रहे हो आप वो भी चेक कर सकते हो कैसे चेक कर सकते हो वो सब चीज अगर आपको जानना है तो आप मुझे बताना तो मैं आपको पूरे अच्छे से स्टार्टिंग से जो है वो बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप कितना लोन ले सकते हो होम लोन उसका ईएमआई कितना लाइक मंथली पेमेंट कितना होगा उस उसपे आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा पांच साल का होगा पंद्रह साल का होगा बीस साल का होगा वो सब कैलकुलेशंस जो है अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करना मैं आपको हेल्प करूंगी वो जस्ट सिंपल स्टेप्स के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो कि आप कितने तक का घर खरीद सकते हो या कितने तक का लोन ले सकते हो तो ये हुई गाइज अपडेट की बात ऑफकोर्स दीपक को भी इसमें होना चाहिए था और हम लोगों के बहुत सारे वीडियोज डिले भी हो रहे हैं पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज चालू करेंगे Our friends also bought, uh, कुछ फ्लैट uh, में वगैरह, कुछ देखना चाहते हैं कि उन लोगों ने कैसे खरीदा कितने का है तो वो भी कमेंट करना तो होप मैं वो भी उन लोगों से बात करके वीडियोस लेके आ पाऊंगी होप मैंने आपको क्लियर किया हो कि क्या अपडेट है क्या चल रहा है अभी यहाँ पर और इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्लॉग चैनल्स पे कुछ वीडियोस इंडिया ट्रिप के ऑलरेडी आ गए हैं कुछ मैं डेटा भेज रही हूँ और मैं बहुत जल्दी जो है जो द, आ, बाकी के वीडियोस हैं वो अब लाइक अपलोड कर दूंगी और उसके बाद जो है वो मुझे काफी सारी और इंफॉर्मेशन या अपडेट आपको देना है लाइफ अपडेट तो वो मैं जल्दी लेके आऊँगी थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर लाइक अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो में मिलूंगी और हाँ अगर आप भी घर ढूंढ रहे हो या गाड़ी ढूंढ रहे हो आपके कौन से क्वेश्चन हैं वो जरूर नीचे कमेंट करना आई नो दैट अगर डेली ब्लॉग्स होंगे तो काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जर्मनी के बारे में बट स्टिल वी ट्राई कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो बाय बाय टेक केयर टिल नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब कर लो